आज हम लोग क्लास 11 पाठ 5 सम्मिलित संख्याएं और द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 5.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो देखिए, इसके अंतर्गत हम लोग द्विघात समीकरण को देखना है, जो हम लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण, ठीक ना। इसका मानक रूप क्या होता है, ये लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो इसका अगर हम मूल ज्ञात करें, ठीक ना, अगर अल्फा और बीटा को ये दो मूल हैं, तो इनके मूल कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग। तो लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए, ठीक ना, ये लिखते हैं हम लोग। अब देखिए, इसमें बी स्क्वायर, देखिए डी बराबर ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये जो पार्ट है, ये जो हमने यहाँ लिखा, इसको विभेदकर बोलते हैं, है ना, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। यही इस मूलों की प्रकृति को डिसाइड करता है। जैसे यदि इसका मान ग्रेटर देन जीरो है, ठीक ना, मतलब धनात्मक में है कोई, ठीक ना, जीरो से बड़ा का मतलब होता है कोई प्लस में है ये, तो इसके क्या प्राप्त होता है, दो, ये क्लास 10 में भी हमने पढ़ा है, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, ठीक ना। यदि इसका मान d बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो अगर होता है, तो हम लिखते हैं इसका दो समान या बराबर, दो समान वास्तविक मूल होते हैं, वास्तविक मूल होते हैं, ठीक ना। और अगर यदि इसका मान बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर लेस देन जीरो, ठीक ना, लेस देन का मतलब सीधा सीधा होता है कि ऋण में होना चाहिए इसका मान, ठीक ना, ऋणात्मक में हो, तो हम लिखते हैं यहाँ पर, लिखते थे देखिए, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, या इसको हम लिख सकते हैं दो अधिकल्पित मूल प्राप्त होंगे, ठीक ना, दो अधिकल्पित, दो इमेजिनरी मूल रूट्स हमको इससे मिलेंगे। तो देखिए, जब ये दो अधिकल्पित मूल या कोई वास्तविक मूल प्राप्त होता है, तो हम इसको हल नहीं करते थे, ठीक ना, हम केवल इन दोनों को हल करके इसके दो वास्तविक मूलों को ज्ञात कर लेते थे। अब हम लोग यहाँ पर द्विघात समीकरण का जब इस प्रकार का रूप आ जाए, कोई अधिकल्पित मूल अगर प्राप्त हो जाए, तो हम इसके आगे इसको कैसे हल करेंगे, बस इसी प्रश्नावली में यही चीज़ दिया हुआ है। तो देखिए, यदि ये हम इसके आगे से यहाँ हल कर लेते हैं, देखिए, जैसे यदि इसका मान ऋण में है, ठीक ना, ये मान ऋणात्मक में है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, ये हो गया ऋण में हो गया। देखिए, अगर ये चीज़ मान ऋण में है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यदि ऋणात्मक में है, है ना, माइनस में है, तो ये देखिए फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर तो धनात्मक में होगा, ठीक ना, ये माइनस में है तो ये धनात्मक। जैसे एग्जांपल, जैसे यदि तीन में से पाँच अगर माइनस करें, तो ये माइनस दो आता है, ठीक ना, ऋण में आ गया। तो ये देखिए, इस रूप में हमने लिख लिया। अगर हम इसको पक्ष पलट दें, देखिए हो जाएगा फाइव माइनस थ्री बराबर, ये देखिए टू, ये धन में आ गया, ठीक ना। तो यदि इस पद में से इसको अगर माइनस कर रहे हैं, तो ऋण में आ रहा है, तो यदि इसको हम यहाँ और इसको यहाँ लिख दें, तो इसका मान धनात्मक में आ जाएगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार हम इसके यहाँ पे माइनस का कॉमन लेकर, देखिए माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, तो जाएगा फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर, अब देखिए प्लस में आ जाएगा ये, ठीक ना, बटे टू ए। तो अब देखिए इसमें, अब ये माइनस करनी के अंदर अगर माइनस हो, तो हम इसको क्या लिखते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर इसको आई स्क्वायर लिखते हैं, ठीक ना, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बटे टू ए। अब देखिए रूट के अंदर आई स्क्वायर है, तो हम इसको बाहर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आई रूट अंडर फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बटे
टू ए। अब देखिए इसको चाहे तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, या तो इसको देखिए प्लस आई रूट अंडर फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बटे टू ए, एक मूल ये आ गया, मान लिया अल्फा है तो एक बीटा हो जाएगा माइनस बी, यहाँ प्लस लिखा है अब ये माइनस वाला पद ले लेंगे, आई रूट अंडर फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बट ए टू ए, ठीक ना। तो ये हमने लिख लिया। देखिए ये तो रहा कंसेप्ट की बात, इसको हम एक उदाहरण लेके समझाते हैं तो अच्छे समय में आ जाएगा। तो देखिए इसको हम एक उदाहरण ले लेते हैं, देखिए एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो है, ठीक ना। तो अगर हम इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से यदि हम तुलना करें इसकी, तुलना करने पर तो हमको देखिए ए का मान क्या प्राप्त हो गया, एक, बी का मान एक और सी का मान एक प्राप्त हुआ, ठीक ना। अब हम इसके मूल ज्ञात कर लेते हैं तो लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बट ए टू ए, ठीक ना। ये मूल ज्ञात करने का सूत्र लिख लिया हमने। अब इसमें मान रख लेते हैं, बी का मान वन है प्लस माइनस करनी, बी का मान एक स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी बटे टू इंटू वन हो गया। इसको हल करने के बाद देखिए हमको प्राप्त हो रहा है एक, अरे चार एकम चार बटे दो माइनस एक प्लस माइनस, देखिए ये जगह माइनस करनी तीन है ना, करनी करनी में माइनस तीन लिखा हुआ है, ये हुआ। तो देखिए यहाँ तक, अब इसका आगे हम हल करेंगे तो ये जाएगा एक्स बराबर माइनस एक प्लस माइनस, इस माइनस को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर करनी के अंदर आई स्क्वायर और ये थ्री लिखा हुआ है बटे टू लिख सकते हैं, ठीक ना। इस माइनस को हमने आई स्क्वायर लिख सकते हैं, आई स्क्वायर बराबर माइनस वन होता है, तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस, ये आई स्क्वायर का बाहर आई निकल जाएगा और ये करनी तीन रह जाएगा, ये हो गया। और अगर इसको हम अलग अलग लिखना चाहें तो जाएगा माइनस वन बटे दो प्लस आई करनी तीन बटे दो, ठीक ना। एक ये प्राप्त हो जाएगा और इसी प्रकार एक आ जाएगा माइनस एक बटे दो माइनस आई करनी तीन बटे ये दो, तो ये दो हमको मूल प्राप्त हो जाएंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए इसको हमने ये हल किया। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, तो देखिए एक दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर लिखें या प्लस टू लिख लेते हैं बराबर ये जीरो, ठीक ना। अगर हम इसको ज्ञात करना चाहें तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस दो हो जाएगा ये, और एक्स स्क्वायर बराबर, और देखिए ये स्क्वायर इस पर लगेगा तो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर माइनस टू, ठीक ना। वर्ग इस पर लगेगा तो वर्गमूल बनेगा और यहाँ प्लस माइनस होता है, और ये प्लस माइनस ये देखिए इसको हम ले सकते हैं आई स्क्वायर टू, और ये आई स्क्वायर बाहर आएगा तो आई और रूट टू आ गया, ठीक ना। तो इस प्रकार हमको मूल क्या प्राप्त हो गया, देखिए इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा एक बार प्लस ये हो जाएगा देखिए मूल, अतः मूल बराबर ये हो जाएगा, एक बार प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई रूट टू हो जाएगा और एक हो जाएगा माइनस आई रूट टू, ठीक ना। तो देखिए इसका इंट्रोडक्शन इतना ही था कि हम किसी भी ऐसे द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे जब उसका मूल अगर अधिकल्पित आ रहे हों, ठीक ना। तो इस प्रकार हमने इसको दो एग्जाम्पल देख लिया, अब हम इसका आगे प्रश्नावली 5.3 करेंगे।